अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू। इन दिस लेक्चर आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लोर इंग्लिश लिटरेचर फ्राम बिगनिंग टू एंडिंग। सो आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर देर वुड बी सम लर्निंग आउटकम्स। वट वुड बी लर्निंग आउटकम? आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू डिग इन टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। So, come to the first slide that gives you some better insight about the history. History of English literature. Firstly, we would start from the classical period, that would start from 1200 BCE to 445 CE. Do you know what is BEC, before Christ era? And then 455, that is Christ era, common era, that is common era. C stand for common and E stand for era. So Homeric or the heroic periods, इसको हम Homeric या heroic period भी कह सकते हैं, that start from 1200 to 800 BC before Christ era कह सकते हैं। Greece legend were passed along orally including Homer, the Iliad and the Odyssey. This is the chaotic period of warrior, princes, wandering seas, traders and fiery pirates. So हम ये कह सकते हैं कि ये जो इरा है होमरेक या हीरोक पीरियड जो है ये 1200 से शुरू होकर 800 जो है BCE शुरू हो तक होता है। इसमें ग्रीक लेजेंड जितने भी थे वो शामिल थे। होमर की जो है एलियड जो है वो सबसे मशहूर किताब थी एंड देन ओडिसेज थी। और इस पीरियड के दौरान जो है बहुत से वॉरियर थे, प्रिंसेस थे और वांडरिंग ट्रेडर्स थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड की गर्ज से जाते थे। और साथ साथ जो है पैरिट्स भी होते हैं। पैरिट्स जो है उनको समुद्री जो है गजाक होते हैं जो लूटते हैं, वो शामिल होते थे। अब हम जो है इस इरा से आगे चलते हैं। द सेकेंड वन इज क्लासिकल ग्रीक पीरियड। क्लासिकल ग्रीक पीरियड, what are the traits of classical Greek period? It started with 800 to 200 BCE. Greek writer, playwrights and philosopher including Gorgias, Aesop, Plato, Socrates, Aristotle, Euripides and Sophocles. The 5th century, 499 to 400 BCE in particularly is renowned as the golden age of Greece. This was the sophisticated era of polis. Polis is a place name that is usually by the culture placed in Greeks and individual city state and early democracy. Some of the world's finest art, poetry, drama, architecture and philosophy originated in Athens. हम इस era के बारे में उर्दू में ही बात करेंगे कि Greek writer जो है बहुत मशहूर हुए, जिसमें प्ले राइट्स भी थे, फिलासफर भी थे, जिसमें जो है गॉर्जियास है, एसोप है, प्लेटो है, सोक्रेट है, उसके बाद अरस्तो है, यूरोपीडीज है और सोफोक्लीज है, जो 5th सेंचुरी तक जो है मशहूर रहे हैं, रेनॉन्ड रहे हैं। और ये गोल्डन एज था ग्रीक का, यूनान का। और ये जो इरा था ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड था, खसूसन जो है एक प्लेस पॉलिस है जो कि बड़ी आइडियल प्लेस थी, और सिटी स्टेट जो है ये दो स्टेट थी और यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत फ्लरिश हुई। और इसके साथ साथ जो है लिटरेचर के लिहाज से जो है ये फाइनेस्ट आर्ट और पोइट्री और ड्रामा और आर्किटेक्चर और फिलासफी में बहुत ज़्यादा आगे थे। और एक्चुअली ये ओरिजिन था एथेंस से बेसिकली क्लासिकल पोइट्री का, ड्रामा और आर्किटेक्ट और आर्ट का जो है, इस इरा की ये क्वालिटीज थी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, दैट इज़ क्लासिकल रोमन पीरियड। ये पीरियड भी जो है इंग्लिश हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दैट इज़ क्लासिकल रोमन हिस्ट्री पीरियड दैट स्टार्ट विद 200 BCE टू 445 CE। ग्रीक्स कल्चर गेव अवे टू द रोमन पावर्स, यानी ग्रीक का कल्चर जो है वो रोमन पावर में कन्वर्ट होता है। रोमन कंकर्ड ग्रीस इन 146 CE कामन इरा। द रोमन रिपब्लिक वॉज ट्रेडिशनली फाउंडेड इन 509 BCE. But it was limited in size until later. Playwrights of this time include Plato and Terence. After nearly 500 years as Republic, Rome slid into a dictatorship under a Julius Caesar.
and finally into the Monocles Empire under Caesar Augustus in 27 CE. This latter period is known as the Roman Imperial Period. Roman writers include Ovid, Horace, and Virgil. Roman philosophers including Marcus Aurelius and the Lucretius. Roman rhetoricians include the Cicero and Quintilian, जो है दिस वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल. अगर हम रोमन कंकड़ को देखते हैं कि इनका जो इरा स्टार्ट होता है 146 से शुरू होकर ये जो है आगे तक जो है 509 तक जो है रहता है. और मोस्ट ऑफ द जो है ये जो प्ले राइट्स थे उसमें क्या है कि प्लेटो थे और टेरेस था और तकरीबन 500 ईयर्स एज ए रिपब्लिक चलता रहा. और रोमन जब डिक्टेटरशिप के अंदर आया जब जूलियस सीजर जो था उसने इसके ऊपर हुक्मरानी की तो ये जो है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लेटर पीरियड जितने भी हैं वो रोमन इंपीरियल पीरियड कहलाया है. इसके अंदर रोमन जो है इंपीरियल पीरियड चलता रहा है और इसमें से जो है बहुत से राइटर जैसे कि ओविड है, होरेस है, वर्जिल है, ये तमाम जो है इम्पॉर्टेंट जो है जहाँ के इस इरा के राइटर हैं. अब हम जो है नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलेंगे, दैट इज़ पार्ट्रिस्टिक पीरियड. जो है पार्ट्रिस्टिक पीरियड जो है ये सी जो है 70 से लेकर 455 CE तक जाता है. अर्ली क्रिश्चियन राइटर इंक्लूड सेंट एगस्टिन, अगेट्रेटुलियंस, सेंट सेप्रियन, सेंट एम्ब्रोज एंड सेंट जेरोम. दिस इज द पीरियड व्हेन सेंट जेरोम फर्स्ट कंपेल्ड द बाइबल. Christianity spread across the Europe and the Roman Empire suffered its dying convulsion. In this period, barbarism attacked Rome in 410 CE, Common Era, and the city finally fell to them completely in 405 CE, Common Era. अब हम इसको देखते हैं, patristic period को देखते हैं, तो इसकी early Christian जो है writer जिसमें Saint Augustine था, आगे जो है टेरिटुलेंस था, सेंट सेप्रिन था, सेंट एम्ब्रोज और सेंट जेरोम था. और इस पीरियड के अंदर जो है जेरोम ने फर्स्ट दफ़ा जो है पहली दफ़ा जो है कंपाइल की थी बाइबल को और क्रिश्चियन जो है पूरे यूरोप में फैला था. और इसके साथ साथ रोमन एम्पायर जो है उसे बहुत ज़्यादा ट्रबल का सामना करना पड़ा था और वो वीकन होती गई थी. और इस पीरियड के अंदर जो है जितने भी रफियन थे उन्होंने रोम के ऊपर हमला किया था और फाइनली जो है उन्होंने इसका 455 में जो है चार्ज संभाल लिया था. और ये जो है इसलिए हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल को पहली दफ़ा कंपाइल किया गया था. जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन. ये दो को इकट्ठा मैंने किया है ताकि आपको समझ आ सके. इट स्टार्टेड फ्रॉम 1485 टू 1000 CE. जो है द रेनेसांस टुक प्लेस इन द लेट 15th-16th सेंचुरी, द अर्ली 17th सेंचुरी इन ब्रिटेन, बट समवट अर्लियर इन इटली एंड साउदर्न यूरोप एंड समवट लेटर इन द नॉर्दर्न यूरोप. हम इसको ऐसे कर सकते हैं रेनेसांस के पीरियड को. और इसका दूसरा पार्ट जो है अर्ली ट्यूडर्स पीरियड. ट्यूडर पीरियड जो है वो कहाँ से शुरू होता है, 1485 से लेकर 1558 तक शुरू होता है. व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इरा, द वॉर ऑफ द रोजेज एंडेड इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के अंदर ये जंग जो है वो ख़त्म हुई थी विद द हेनरी ट्यूडर. हेनरी विवेट क्लेमिंग द थ्रोन, उसने क्या क्या थ्रोन के ऊपर कब्जा कर दिया था. मार्टिन लूथर स्प्लिट द एमर्जेंस ऑफ द प्रोटेस्टिज्म. प्रोटेस्टिज्म जो है अब जो है मार्टिन लूथर जो है वो जो कैथोलिक से प्रोटेस्टिज्म जो है वो प्रोटेस्ट जो होता है वो प्रोटेस्टेंट जो होता है वो मार्ज वजूद में आया. फॉलोड बाय द हेनरी एट एंग्लिशियंस शेजम विच क्रिएटेड द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट चर्च इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के अंदर जो है पहली दफ़ा चर्च बना था. पहले यूजली जो है कैथोलिक थे फिर प्रोटेस्टेंट की तरफ आ गए. एडमिन स्पेंसर इज़ द सेम सिंपल पोएट. सिंपल पोएट जो है इट मीन एडविन स्पेंसर जिसको हम पोएट ऑफ पोएट्स कहते हैं उसने क्या है कि उसका इस इरा का जो है बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. नो जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एलिजबेथन पीरियड. दैट स्टार्ट विद द 1558 टू 1603. क्वीन एलिजबेथ सेव इंग्लैंड फ्रॉम बोथ स्पेनिश इन्वेजन and internal squabble at home. Her reign is marked by the early work of Shakespeare, Marlowe, Kidd and Sidney.
हम इस इरा को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्वीन एलिजबेथ जो थी उसने इंग्लैंड को क्या है कि स्पानवी इन स्पेनिश से स्पेनिश और इसके साथ साथ जो है इंग्लिश जितने भी हैं उनकी इन्वेजन से बचाया। और इसके साथ साथ इस दौर हकूमत में जो है जो वर्क हुआ था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है विलियम शेक्सपियर हैं और उसके बाद जो है मार्लो हैं और किड हैं और सिडनी हैं। इस एरिया की ये क्वालिटी थी। सो जंप टू द नेक्स्ट जॉकोबियन पीरियड। हम इस पीरियड को देखें, जॉकोबियन पीरियड जो है 1603 से शुरू होकर 1625 तक रहता है। शेक्सपियर्स लेटर वर्क इंक्लूड एमेलियस लेनेज बेन जॉनसन एंड जॉन डन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस एरिया दिस इरा। नेक्स्ट कैरोलिन एज 1625 टू 1649 तक है। जॉन मिल्टन जॉर्ज हर्बर्ट रॉबर्ट हॉरिक द सन ऑफ द अदर्स वर ड्यूरिंग द रेन ऑफ चार्ल्स वन एंड हिज कैवेलियर्स। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें पैराडो लॉस्ट भी हुई है। जॉन मिल्टन जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पोइट हैं वो यहाँ इस इरा के थे और इस इरा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए क्योंकि इसके जो है बहुत ज़्यादा जो है जो फेमस राइटर है जॉन मिल्टन उसने अपनी पैराडो लॉस्ट भी लिखी जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक है। सो जंप टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ प्यूरिटन इरा। प्यूरिटन जो है जो कि ये समझते थे कि द पोएट्री शुड बी रिटन फॉर द रिलीजियस पर्पस। इसको कॉमनवेल्थ पीरियड या पोरिटन इंटरग्रम जो कहते हैं 1649 से शुरू होकर 1660 तक है। अंडर क्रोमवेल द पोरिटन डिक्टेटरशिप जॉन्स मिल्टन ये जो पेरोटन जो थे डिक्टेटरशिप क्रोमवेल के अंडर जो है थे। जेम्स मिल्टन जो है कंटिन्यू टू राइट्स उसने मिल्टन ने राइट लिख दिया बट आल्सो फाइंड राइटर एंड्रयू मार्वेल एंड सर थॉमस ब्राउन ये जो है इस पेरोटन इरा के सबसे इंपॉर्टेंट पोएट हैं राइटर हैं। और प्योरिटन का ये बिलीव था कि पोएट्री शुड बी रिटन फॉर द रिलीजियस पर्पस जैसे क्या कि ये लिटरेचर की कैसी काइंड है जिसको हम सिर्फ पाक और अच्छे मकसद के लिए भी लिख सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट दैट इज़ रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड जो है 1790 से शुरू होकर 1830 सीई तक कामन इरा से शुरू होता है तक रहता है। रोमांटिक पर्स रोड्स अबाउट नेचर इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअलिटी एंड इंग्लैंड। इसका मतलब यह है कि रोमांटिक जितने भी पोएट थे उन्होंने नेचर के बारे में भी लिखा है और ख्यालाती भी लिखा है और पर्सन के बारे में लिखा है। सम रोमांटिक इंक्लूड एस टी कॉलरिज विलियम ब्लैक जॉन कीट्स एंड पी बी शैले इन ब्रिटेन एंड जॉन वॉन गोथी एंड जर्मनी एंड जेन आस्टर आल्सो रोट एट दिस टाइम दो शी इज़ टिपिकली नॉट कैटेगराइज विद द मेल रोमांटिक पोएट्स। अब जो है हम ये कह सकते हैं कि ये वाले राइटर बहुत इंपॉर्टेंट थे और जेन आस्टन जो कि एक फीमेल राइटर थी नॉवलिस्ट थी उसको जो है इसमें रोमांटिक पोएट्स के साथ जो है नहीं कंसिडर करते थे क्योंकि शी वॉज नॉवलिस्ट। अगर हम दूसरे हिस्से में देखें अमेरिका के अंदर दिस पीरियड इज़ मिरर्ड इन द ट्रांसेंडेंटल्स पीरियड फ्रॉम अबाउट 1813 टू 1815। ट्रांसेंडेंटल्स लिस्ट जितने भी थे इंक्लूड एमर्सन एंड थॉरोज जो है ये बहुत ज़्यादा अमेरिका में मशहूर हुए थे। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं दैट इज़ गोथिक पोएट्री। गोथिक राइटिंग जो है ये सेरिक जो है 1790 से 1809 तक है और ओवरलैप्स विद द रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड ये दोनों पीरियड के दरमियान ओवरलैप करती है। राइटर ऑफ गोथिक नावल द प्रीकर्सर ऑफ हॉरर नावल जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो है फोर रनर है हॉरर नावल के लिए इंक्लूड रेडक्लिफ मॉन्कलेविस एंड विक्टोरियन लाइक ब्रेम स्टोकर इन ब्रिटेन। इन अमेरिका गोथन राइटर इंक्लूड पो एंड हॉथरोन ये जो है मशहूर राइटर थे अपने दौर के। सो जंप टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ मॉडर्न पीरियड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। द मॉडर्न पीरियड 1914 से स्टार्ट होकर 1945 कॉमन इरा तक जाता है। इन ब्रिटेन मॉडर्निस्ट राइटर इंक्लूड विलियम बटलर यीट्स सेमस हेनी डायलेन थॉमस डब्ल्यू एच एडन वर्जीना वुल्फ एंड विल्फ्रेड ऑन एंड अमेरिका ये ब्रिटिश नेम जो हैं ये राइटर थे। और अगर हम अमेरिका के अंदर देखें तो इसके जो है जबकि हम जो है दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका में देखें तो मॉडर्निस्ट जो है पीरियड जो है इंक्लूड रॉबर्ट फ्रॉस्ट था जो पोएट थे एंड फ्लैनरी ओ'कॉनर एज वेल एज द फेमस राइटर द लॉस्ट जनरेशन
आल्सो कॉल द राइटर ऑफ द जेज एज. अब जेज एज इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है मॉडर्निज्म आया और लोगों ने जो है लोगों के अंदर जो है एज ए म्यूजिक और ये आर्ट जो है इन अमेरिकन में जो है बहुत ज़्यादा फैली, इसलिए नाम इसको जेज एज भी कहते हैं. 1914 टू 1920 तक सच एज हेमिंग्वे, स्पेन फिट गरेल एंड फॉकनर जो है ये अमेरिका के मशहूर राइटर थे और ब्रिटेन के जो है ऊपर बता चुका इंग्लिश पर जो है राइटर जो है. अब हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हार्लेम रेनेसांस का पीरियड है. द हार्लेम रेनेसांस मार्क द रेज का ब्लैक राइटर सच एज बाल्डविन एंड एलिसन्स. रियलिज्म इज डोमिनेट फैशन बट द डिसल्यूजनमेंट विद द वर्ल्ड वॉर लीड टू न्यू एक्सपेरिमेंटल. हम अब हार्लेम रेनेसांस की बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है ब्लैक राइटर की बात हो रही है, तो ब्लैक राइटर और ट्रेडिशन जो है ये फलता फूलता गया और ब्लैक राइटर ने क्या है कि जो स्याह फॉर्म है उन्होंने अपनी ट्रेडिशन कल्चर को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया, इसलिए जो हम इसको ब्लैक राइटर हार्लेम भी कहते हैं. सो जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है, ये पीरियड जो है इसको द ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, जो कि 428 से शुरू होकर 1016 कॉमन एरा तक जाता है. दिस द सो कॉल्ड डार्क एजेस, इसको हम डार्क एजेस भी कहते हैं, 455 से कॉमन एरा से 799 कॉमन एरा तक जाता है. अकर्ड आफ्टर रोम फेल, जब जो है रोम जो है ख़त्म हुई हुकूमत एंड बारबेरिज्म ट्राइब्स मूव इनटू द यूरोप, और जितने भी वैशी जो है बर्बनिस्ट जो थे वो यूरोप में आए, आगे फ्रैंक्स ऑस्ट्रीगी और ये सारे जिनके नाम ले रहे हैं, इस तरह जो है यहाँ पे जो है ना ये इंग्लिश जो है फैली और इसके साथ साथ जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड और वेल्स के अंदर भी जो है इस तरह फैलते गए. अर्ली ओल्ड इंग्लिश जो है पोइम जो है जैसा कि जो है बॉय वुल्फ है, उसके बाद द वेंडरर्स है एंड द सी फेरर्स ओरिजिनेटेड हुए थे, और इनसे क्या है कि एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है मर्ज वजूद में आया, और इस पीरियड में यूजली जो है इंग्लिश लिटरेचर को जो है पुरानी इंग्लिश जो है सैक्सन पीरियड है इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट जंप टू द मिडिल इंग्लिश पीरियड हम देखते हैं, दैट इज मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है 1066 से 1450 तक कॉमन एरा तक जाता है. इन 1966 नॉर्मन फ्रेंच आर्मी इन्वेडेड एंड कंकर्ड इंग्लैंड अंडर विलियम्स वन. अब जो है 1066 में के नाम में फ्रेंच आर्मी जो थी उन्होंने इंग्लैंड को फतह किया, और दिस मार्क द एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन हायरार्की. ये ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो है इंग्लिश एंग्लो सैक्सन जो दौर था वो ख़त्म हुआ एंड द एमर्जेंस ऑफ द 12th सेंचुरी रेनेसांस, और 12वीं सदी रेनेसांस का पीरियड शुरू हुआ जो कि जो है 1100 से 1200 कॉमन एरा तक जाता है. फ्रेंच शेवेलरिक रोमिक सच एज वर्क बाय द क्रीटेन एंड ट्रोइज जो है एंड फ्रेंच फेबल सच एज द वर्क ऑफ मैरी डी फ्रांस एंड जेन दी मेन जो है इनका काम हुआ सेपरेट इन पॉपुलरिटी. हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा और एबिलर्ड एंड द अदर ह्यूमनिज्म प्रोड्यूस ग्रेट स्कूलिस्टिक्स एंड थियोलॉजिकल वर्क जो है इस दौर में जो है ये वर्क मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है कहलाता है, इसके अंदर ये इसकी फेमस चीज थी. अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, हाई मेडिवियल पीरियड को देखते हैं. लेटर इन हाई मेडिवियल पीरियड स्टार्ट होता है 1200 टू 1485 कॉमन एरा तक. दिस ऑफन ट्रेमुलियस पीरियड इज मार्क्ड बाय द मिडिल इंग्लिश राइटर ऑफ जेफरी चौसर, जिस इज द फादर ऑफ इंग्लिश इंग्लिश पोएट्री एंड द गवाइंस आर द पेरल्स पोएट द वेकफील्ड. नेक्स्ट जो है इस जो है विलियम्स लैंगलैंड है. अदर राइटर इंक्लूड इटालियंस एंड फ्रेंच ऑथर्स लाइक बिकोपियंस आगे कैपेट्रिचा और समथिंग डेंटे जो है ये क्रिस्टन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उस वक्त के राइटर थे, और ये एरा जो है जेफरी चौसर का है जिसमें प्रोलॉग आप पढ़ चुके हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड द एलाइटमेंट. न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 से 1709 तक शुरू होता है कॉमन एरा. न्यू क्लासिकल रेफर टू द इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर अपॉन द सेंचुरीज. द न्यू क्लासिकल पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द एनलाइटमेंट ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ रेवरेंस फॉर द लॉजिक एंड डिसडेन फॉर द सुपरस्टिशन. द पीरियड इज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ डेइज्म, इंटेलेक्चुअल बैकलैश अगेंस्ट अर्लियर प्योरिटनिज्म
एंड अमेरिका रेवोल्यूशन अगेंस्ट इंग्लैंड, इस ये पीरियड जो है इसलिए इसको दो तरह के नाम दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड एलाइटमेंट का, एक दफ़ा जो है न्यू क्लासिकल के पीरियड में एलाइटमेंट हुई, इसलिए इसको जो है पीरियड ऑफ एलाइटमेंट भी कहते हैं और न्यू क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं। दैट इज रेस्टोरेशन पीरियड जो है अगला, जो है रेस्टोरेशन पीरियड जो है 1660 से शुरू होकर 1700 तक रहता है। दिस पीरियड मार्क विद द ब्रिटिश किंग रेस्टोरेशन टू द थ्रोन आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ प्यूरिटन डोमिनेशन इन इंग्लैंड। प्यूरिटन की डोमिनेशन के बाद जो है लंबे अरसे बाद जो है बादशाह बरतानिया का बादशाह एक दफ़ा फिर जो है रिस्टोर होता है, रीइंस्टेट होता है। इट्स सिंपोशियस इंक्लूड द डोमिनेंस ऑफ फ्रेंच एंड क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन पोएट्री एंड ड्रामा, और इस तरह जो है पोलिटिकल ड्रामा और पोलिटिकल क्लासिकल पोएट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सैम्पल राइटर इंक्लूड द जॉन ड्रेडन, आगे जॉन लिलेक और सर विलियम टेम्पल एंड सैमुअल पेपर्स जो है ये इंपॉर्टेंस है, ये इसके इंग्लैंड के बहुत जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑथर ऑफ द जेन रसेंस हैं एंड मोलरीज हैं, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्टोरेशन के राइटर हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगस्टन एज को हम देखते हैं, द अगस्टन एज 1700 से शुरू होकर 1750 तक जाती है। दिस पीरियड इज मार्क बाय द इमिटेशन ऑफ वर्जिल एंड होरेस लिटरेचर इन इंग्लिश लेटर। हम ये देखते हैं कि इस एरा के अंदर जो है एक दफ़ा फिर अगस्टन जो है वर्जिल जो है और होरेस जो राइटर थे उसको इंग्लिश लिटरेचर में फिर अडाप्ट करते हैं, यानी इसको उनका तौर तरीका जो है अडाप्ट किया जाता है। द प्रिंसिपल इंग्लिश राइटर इंक्लूड एडिसन, स्टील्स, स्विफ्ट एंड एग्जेंडर पोप जो है अब्रॉड। वोल्टियर्स वॉज द डोमिनेंट फ्रेंच राइटर, जिसमें हम एग्जेंडर पोप का जो है वो हम रेप ऑफ द लॉक भी दे सकते हैं अगस्टन एरा के अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस हमारे सिलेबस के अंदर भी है। इसके इस अगस्टन एरा की ये क्वालिटीज हैं। अब हम इसको थोड़ा सा शार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। द एज ऑफ जॉनसन जो है, द एज ऑफ जॉनसन 1750 से 1790 है। दिस पीरियड मार्क द ट्रांजिशन टूवर्ड द अपकमिंग रोमेंटिसिज्म थ्रू द पीरियड इज स्टिल लार्जली न्यू क्लासिकल। ये जो है न्यू क्लासिकल था लेकिन इसके अंदर जो है रोमेंटिसिज्म को जो है अपकमिंग रोमेंटिसिज्म को जो है लाने की कोशिश की गई। मेजर राइटर इंक्लूड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी थे, आगे बोसवेल थे एंड एडवर्ड गिब्सन जो है इस एरिया हु रिप्रेजेंट द न्यू क्लासिकल टेंडेंसीज, जो कि इस एरिया की सबसे ज़्यादा टेंडेंसीज को शो करते हैं। वाइल लाइटर राइक रॉबर्ट बॉर्न और थॉमस ग्रे कोपर्स एंड केप शो मूवमेंट अवे फ्रॉम द न्यू क्लासिकल आइडिया इन अमेरिका। अगर हम ब्रिटिश के साथ अमेरिका भी देखें, दिस पीरियड इज कॉल्ड द कलोनियल पीरियड जो है, इट इंक्लूड द कलोनियल एंड रेवोल्यूशनरी राइटर लाइक बेन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन एंड थॉमस पेन जो है इसके अमेरिका के अंदर मशहूर राइटर है। नेक्स्ट जो है विक्टोरियन पीरियड को हम देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द विक्टोरियन पीरियड एंड द 19th सेंचुरी 1832 से 1901 कॉमन इरा तक जाता है। राइटिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ क्वींस, विक्टोरियन रेन इंक्लूड द सेंटिमेंटल नावल्स। अब इसके अंदर जो है विक्टोरियन दर हुकूमत के अंदर जो है सेंटिमेंटल नावल आने शुरू हो गए। ब्रिटिश राइटर इंक्लूड एलिजाबेथ ब्रॉनिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड, टेनिसन, मैथ्यू आर्नर, रॉबर्ट ब्रॉनिंग, चार्ल्स डिकन एंड ब्रंटिस सिस्टर्स प्री, ये जो जितने भी ना थे रोसिटी सिबलिंग जो थे, विलियम मॉरिस थे, एडिलाइज द लॉन्ग फॉर द मोरली एंड द मेडिवियल पीरियड, इनको जो है बड़ा अच्छी तरह जो है डिस्क्राइब किया गया है और ये उस दौर के सबसे ज़्यादा मशहूर राइटर थे। अब एस्थेटिसिज्म मूवमेंट जो है इसको हम देखते हैं, द एंड ऑफ विक्टोरियन पीरियड इज मार्क बाय द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ऑफ एंथेसिज्म एस्थेटिसिज्म एंड द डेकेडेंस जो है ये पीरियड भी कहा जाता है। इन द राइटिंग वाल्टर पेटर एंड द ऑस्कर वाइल्ड वर द फेमस, इन अमेरिकन नेचुरलिस्ट राइटर लाइक स्टेफन क्रेन फ्लरिश एज डिड अर्ली फ्री वर्स पोएट लाइक वाल्ट व्हिटमैन एंड एमिली डिकिंसन वाज द फेमस राइटर ऑफ दिस एस्थेटिक मूवमेंट। इस मूवमेंट के ये सबसे ज़्यादा अहम जो है राइटर थे। जो जंप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड, इट स्टार्टेड विद 1945 टू ऑनवर्ड। टी एस एलियट, मॉरिसन, बर्नशा, बेकेट, स्टॉपर, फॉलिस एंड कल्वेनो, गिनब्रेग्स, फिनचॉन एंड अदर मॉडर्न राइटर पोइट्स एंड द प्ले राइट एक्सपेरिमेंटेड विद द मेटाफिक्शंस एंड फ्रेगमेंटेड पोएट्री। मेटिकुलेशनिज्म जो है लेड टू द इंक्रीजिंग कैनोनाइजेशन एंड द नॉन। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये इरा जो है पोस्ट मॉडर्निज्म का इरा के मशहूर जो राइटर हैं वो टी एस एलियट थे,
मॉरिसन थे और शॉ थे, बेकेट थे, सैमुअल बेकेट जो है इसको हम कह सकते हैं, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है राइटर है, और इनके अंदर जो है ये इनकी मशहूर जो फेमस किताब है ये जो है प्रोफॉक्स जो है ये आपके प्रूफ रॉक्स जो है ये आपके सामने जो है स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इस इरा के सबसे इम्पॉर्टेंट जो है राइटर थे। मैजिक रियलिज्म जो है ये हम आखिर पे आते हैं, मैजिकल रियलिज्म भी कहते हैं, मैजिक रियलिस्ट एज अजेब्रेड ग्रेशिया मार्किस जो है, लुइस बॉल्स एंड एलिजो कारपेंट्रियर, गेंटर ग्रेस एंड द सलमान रुश्दी फ्लरिश विद द सरियलिस्टिक राइटिंग एम्बॉर्डर्ड इन द कन्वेंशन ऑफ द रियलिज्म। आप जो है ये मशहूर राइटर हैं जिन्होंने कहा कि मैजिकल रियलिज्म को, मैजिक रियलिस्ट थे इस इरा के। इस तरह जो है ये खत्म हो जाता है हमारा लेक्चर। दीज आल इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्राम द डॉक्टर व्हीलर पेज फ्राम कैसन न्यूमान कॉलेज, इट इज़ सिचुएटेड इन अमेरिका टेनेसी। तो सो आई टेक दिस आल इंफॉर्मेशन फ्राम देम एंड दिस क्रेडिट गोज टू पर्टिकुलर डॉक्टर साहब हु हैज़ प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप टू मी एंड दैट आई एबल टू प्रजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई channel and keep on watching my channel and please send me your suggestion so that I may be able to bring a lot of changing according to wishes your desire because I am trying my best to produce you best of the best in English literature and ethics in our society because I usually write two things on social issues which is happening in our society, another thing is there is lecture from English literature. So if you have some suggestion you can send me through emails and as well as by my number. Thank you so much for watching my channel. Assalamu alaikum.